हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन में सबसे पहले शामिल करते हैं मुल्क की मईशत से मुतालिक एक अच्छी खबर। पाकिस्तान को चीन से $1 अरब मिल गए हैं, स्टेट बैंक की जानिब से तस्दीक कर दी गई है। मरकजी बैंक की जानिब से कहा गया है कि चीन से $1 अरब मिलने के बाद मुल्क की ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हो गया है। मुल्क की ज़र मुबादला के ज़खायर $10 अरब से तजावुज़ कर गए हैं। पाकिस्तान को चीन से $1 अरब मिल गए हैं, स्टेट बैंक की जानिब से तस्दीक कर दी गई है। मरकजी बैंक की जानिब से कहा गया है कि चीन से $1 अरब मिलने के बाद मुल्क की ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हो गया है। मुल्क की ज़र मुबादला के ज़खायर $10 अरब से तजावुज़ कर गए हैं। इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून का जनरल काउंसिल इजलास हुआ है, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आइंदा 4 साल के लिए मुस्लिम लीग नून के बिला मुकाबला सदर मुंतखब हो गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने इस मौके पर अपने खिताब में कहा कि नवाज शरीफ आएंगे तो पाकिस्तान में सियासत का नक्शा बदल जाएगा। हुकूमत की मुआशी टीम का दिफा करते हुए इसहाक डार पर तनकीद करने वालों को पार्टी से निकल जाने का कह दिया। इंटर पार्टी इंतखाबात के लिए मुस्लिम लीग नून ने इसमें पिंडाल सजाया। पार्टी सदारत के लिए शहबाज शरीफ का नाम सामने आने पर कोई मुकाबिल ही ना आया। यूं शहबाज शरीफ एक बार फिर मुस्लिम लीग नून के बिला मुकाबला सदर मुंतखब हो गए। जनरल काउंसिल इजलास से खिताब में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि ये इजलास कई बार मुअख्खर करवाया, कोशिश थी कि नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आएं और ये अमानत उनके हवाले कर दूं, मगर नागुजीर वजूहात की बिना पर नवाज शरीफ पाकिस्तान न आ सके। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि ये पग जो आपने मेरे सर पर दोबारा पहनाई है, ये नवाज शरीफ की अमानत है। वो जिस दिन आएगा इंशाल्लाह ये अमानत आप और मैं उनको हवाले कर देंगे। मुल्की मईशत का जिक्र करते हुए वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा IMF की शराइत मानने के लिए उल्टे सीधे हो गए, आलमी मालियाती फंड के साथ आज भी सींग फंसे हुए हैं। हमने IMF की शराइत मंजूर करने के लिए उल्टे सीधे हो गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान का अजीम तर मफाद इस बात का तकाजा करता है कि शॉर्ट टर्म में हम IMF के साथ मुआहदा करके मुल्क को तरक्की की तरफ हम लेकर चलें। शहबाज शरीफ ने अपने खिताब में जहां वजीर खजाना इसहाक डार की पॉलिसियों का दिफा किया, वहीं उनकी मुखालफत करने वालों को भी खरी खरी सुना दी। जनाब इसहाक डार साहब, और ये कोई उनकी मुँह पे तारीफ नहीं, उन्होंने वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, मैं आपको ईमानदारी से कहता हूँ, लेकिन उनकी मेहनत पर दो राय नहीं, उनकी अमानत पर दो राय नहीं। इससे पहले मुस्लिम लीग नून के जनरल काउंसिल इजलास में मरियम नवाज को पार्टी की बिला मुकाबला चीफ ऑर्गेनाइजर और सीनियर नायब सदर मुंतखब किया गया। एहसन इकबाल पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और मरियम औरंगजेब सेक्रेटरी इत्तलात मुंतखब हुई। इसहाक डार को ओवरसीज और बैनुल अक्वामी उमूर का सदर मुंतखब किया गया। पाकिस्तान से तो समंदरी तूफान का ख़तरा टल गया है, लेकिन भारत में समंदरी तूफान वाइपर जॉय की तबाहकारियां जारी हैं। भारतीय गुजरात में मुख्तलिफ वाकयात में 5 अफराद हलाक और दर्जनों अफराद जख्मी हो गए हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक वाइपर जॉय आज राजस्थान की तरफ बढ़ेगा। समंदरी तूफान बिपर जॉय की गुजरात समेत भारतीय साहली इजला में तबाहकारियां जारी। भारतीय गुजरात में मुख्तलिफ वाकयात में बाप बेटे समेत 5 अफराद जबकि दर्जनों जख्मी हो गए। तूफान टकराने के बाद से शदीद बारिशों और तेज हवाओं से मवासिलात का निजाम दरहम बरहम हो गया। तूफान के बायस मुख्तलिफ इलाकों में बिजली के पोल गिर गए, हजारों कच्चे घर तबाह हो गए। जिला गुजरात के साहली मकामात पर अब भी बारिश जारी है। महकमे मौसमियात ने तेज हवाओं के साथ मजीद बारिशों का खदशा जाहिर कर दिया। भारतीय महकमे मौसमियात के मुताबिक समंदरी तूफान बिपर जॉय आज शमाल मशरिक में राजस्थान की तरफ बढ़ेगा। तूफान के जेर इलाकों में शदीद बारिशों का खदशा है। आगे बढ़े और आपको अपडेट करें, नए माली साल का बजट हुकुमरान इत्तेहाद की दो बड़ी जमातों में बजाय तकरार बन गया। पीपल्स पार्टी की रुकने कौमी असम्बली नफीसा शाह ने बजट को इंतखाबी बजट करार दे दिया, जबकि वजीर खजाना इसहाक डार ने बजट का दिफा करते हुए कहा कि इलेक्शन ना भी होता तो तब भी ऐसा ही बजट पेश किया जाता। आइए तफसील जानते हैं। नए माली साल के बजट को लेकर हुक्मरान इत्तेहाद की दो बड़ी जमातों के नुमाइंदों में तकरार। सेनेट की कायमा कमेटी के इजलास में वजीर खजाना इसहाक डार और पीपल्स पार्टी की नफीसा शाह आमने सामने आ गए। नफीसा शाह ने बजट को इंतखाबी बजट करार देते हुए कहा कि हुकूमत के पास 2 माह का वक्त है, ये कैसा बजट पेश किया गया, हमारे सरों पर मौसी तूफान खड़ा है, IMF दबाव डाल रहा है, 1 माह बाद मईशत मजीद मुश्किल में होगी,
हमें कहा गया बजट में मुश्किल फैसले करेंगे, मगर कोई मुश्किल फैसला नहीं किया गया। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने कायमा कमेटी खजाना को बताया कि इलेक्शन ना भी होता तब भी ऐसा ही बजट पेश किया जाता। बजट स्ट्रेटजी पेपर में ताखीर की वजह IMF के साथ बातचीत में ताखीर थी। IMF ने बैरूनी फाइनेंसिंग की शरायत रखी जिसे पूरा कर रहे हैं। ताली दोनों हाथों से बजती है, तमाम इंतजाम कर दिए गए हैं। बैंक ऑफ चाइना के साथ भी $30 करोड़ पर बातचीत चल रही है। महंगाई बढ़ती ही जा रही है। मुल्क में महंगाई की मजमूई शरह 34.96% तक जा पहुंची है। एक हफ्ते में 19 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा और 12 में कमी रिकॉर्ड की गई है। इस्लामाबाद से गुलाम मुर्तजा की रिपोर्ट देखिए। वफाकी बजट के पहले हफ्ते महंगाई बढ़ गई। मजमूई शरह 34.96% तक जा पहुंची। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई के अदाद शुमार जारी कर दिए। महंगाई की शरह में 0.20 इजाफा रिकॉर्ड किया गया। हालिया हफ्ते में चीनी 5.06 रुपए फी किलो महंगी हुई और 20 किलो आटे का थैला 44.34 रुपए महंगा हुआ। दही में 3.16 रुपए फी किलो और दूध की कीमत में 1.87 रुपए फी किलो इजाफा हुआ। एक हफ्ते में दाल माश 5.62 रुपए फी किलो महंगी और लहसुन एक हफ्ते में 3.83 रुपए फी किलो महंगा हुआ। हालिया हफ्ते में बीफ 3.14 रुपए, मटन 4.87 रुपए महंगा हुआ। इसके अलावा आलू, चावल, नमक समेत दूसरी अशिया भी महंगी हुई। अदारा शुमारियात ने बताया कि एक हफ्ते में जरूरी इस्तेमाल की 12 अशिया की कीमतें कम हुई, जिनमें प्याज 5.05 रुपए, अंडे 12.71 रुपए फी दर्जन सस्ते हुए। हालिया हफ्ते LPG का घरेलू सिलेंडर 115.61 रुपए फी किलो, दाल मूंग 5.54 रुपए, दाल चना 3.59 रुपए फी किलो और जिंदा मुर्गी 5.14 रुपए फी किलो सस्ती हुई। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में जरूरी इस्तेमाल की 20 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान लापता हो गए हैं। अहले खाना की जानिब से थाना कोसार में दरख्वास्त दे दी गई है। दरख्वास्त में कहा गया है कि आजम खान घर से निकले और फिर वापस नहीं आए। आजम खान का मोबाइल फोन भी बंद है। दूसरी जानिब तर्जुमान कैपिटल सिटी पुलिस की जानिब से कहा गया है कि आजम खान की गुमशुदगी के हवाले से कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आगे बढ़े और आपको अपडेट करें, 9 मई के वाकयात में मुलवस मुलजिमान की शनाख्त परेड में तारखीर पर लाहौर हाईकोर्ट की जानिब से बड़ा हुक्म जारी कर दिया गया है। सूबे भर के सेशंस जजेस और स्पेशल कोर्ट्स को शनाख्त परेड का अमल 48 घंटों में मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया गया है। 9 मई के वाकयात में मुलविस मुलजमान की शनाख्त परेड में ताखीर पर लाहौर हाईकोर्ट बरहम। सूबे भर के सेशन जजेस और स्पेशल कोर्ट्स को शनाख्त परेड का अमल 48 घंटों में मुकम्मल कराने का हुक्म दिया गया। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने शहरी की दरख्वास्त पर फैसला जारी कर दिया। फैसले की कॉपी तमाम सेशन जजेस और IG पंजाब को भिजवा दी गयी। अदालती फैसले में कहा गया कि दरख्वास्त गुजार 25 मई से शनाख्त परेड के लिए जेल में है। शनाख्त परेड में ताखीर बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। शनाख्त परेड के अमल में ताखीर की गई, जिससे शहरियों की आज़ादी पर कदगन लगाई गई। किसी भी मुलजिम के लिए शनाख्त परेड का अमल बहुत अहम होता है। शनाख्त परेड का मौजूदा अमल बहुत नाकारा है, जिसमे ताखीर सारे अमल को मशकूक बनाती है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि किसी शख्स की गिरफ्तारी ठोस शवाहिद पर और इसी सूरत में होनी चाहिए जब दूसरा कोई रास्ता ना हो। किसी गिरफ्तार मुलजिम का बेगुनाह करार पाना ट्रायल से पहले गिरफ्तारी का दर्दनाक पहलू है। अदालत ने करार दिया अदालतें आईन के तहफ्फुज़ की जिम्मेदार हैं। आईनी अदालतों को इंतजामिया के इकदामात का जायजा लेने की जरूरत है। 9 मई वाकयात में डॉक्टर यास्मीन राशिद के खिलाफ केस में अहम पेशरफ्त हुई है। पुलिस ने डॉक्टर यास्मीन राशिद के जेरे इस्तेमाल मोबाइल फोन और गाड़ी बरामद कर ली है। लाहौर शादमान पुलिस स्टेशन को जलाने के केस में डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरख्वास्त जमानत खारिज कर दी गई है। 9 मई के वाकयात की तहकीकात में नई पेशरफ सामने आई है। पुलिस ने PTI रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद से बरामद मोबाइल फोन को फोरेंसिक के लिए भिजवा दिया है। फोन के फोरेंसिक से पता चलाया जाएगा कि 9 मई के रोज उनसे किन किन अफराद ने राबता किया और एहतजाज की हिकमत अमली से मुतालिक हकायक सामने लाए जाएंगे। दूसरी जानिब इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में लाहौर के थाना शादमान को जलाने से मुतालिक केस की समाअत हुई। अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत दीगर 12 मुलजिमान की दरख्वास्त जमानत खारिज कर दी है।